सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर कौशल किशोर मेवाड़ा, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी बिगोद, तहसील मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा। आज हम मैनेजमेंट ऑफ कैटल शेड के बारे में चर्चा करेंगे, पशुओं के आवास प्रबंधन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पशुपालन में एक पशुओं की आवास की अच्छी व्यवस्था होना भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और अपने देश में दो तरह के मैनेजमेंट को मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जानवरों के अंदर एक खुली आवास व्यवस्था, जिसे अपन कहते हैं लूज हाउसिंग सिस्टम। दूसरा होता है जो आजकल लोग साइंटिफिक तरीके से आवास बनाते हैं, उसे कहते हैं कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम। परंतु सबसे बढ़िया जो सिस्टम है वो अपने देश में जो साधारणतया प्रचलित है वो लूज हाउसिंग सिस्टम है। उसके अंदर व्यक्ति एक अपने बाड़ा बनाता है, उस बाड़े के अंदर तीन तरफ दीवार करता है एक तरफ से, और उसके अंदर कवर्ड एरिया, जो बंद जगह है वो कम होती है, बाकी जगह खुली हुई रहती है। दूसरा, ये सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है, क्योंकि आज के युग में हर व्यक्ति को कम खर्च पर अधिक लाभ की आवश्यकता होती है, तो इसके अंदर सबसे कम खर्च और अधिक लाभ देखने को मिलता है। जबकि जो व्यावसायिक रूप से है उसके अंदर अपने को पूरी तरह से बंद सिस्टम होता है, जबकि और हर सिस्टम के एक अपने अपने फायदे नुकसान ज़रूर होते हैं। दूसरा, उसके अंदर अपन जो है दो तरह के सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। पहला सिस्टम होता है फेस टू फेस सिस्टम, और दूसरा सिस्टम होता है टेल टू टेल सिस्टम। फेस टू फेस सिस्टम में जो अपन दो लाइनों में जानवरों को रख सकते हैं, अगर अपन 10 से ज़्यादा जानवरों को उसके अंदर शेड में रख रहे हैं, तो हो सकता है कि उन दोनों का मुंह आपस की तरफ, दोनों का मुंह एक तरफ हो, सामने हो, मुंह से मुंह को देखते हुए जानवरों को अपन रखें, तो उसको अपन कहते हैं फेस टू फेस सिस्टम। इसके अंदर अपन इस चीज़ के भी कुछ फायदे हैं। और दूसरा सिस्टम होता है टेल टू टेल सिस्टम, जिसमें दोनों का दोनों रो जो होती है उनके पशुओं का मुंह अलग अलग तरफ होता है, टेल जो पूंछ है, पूंछ वाला हिस्सा, पिछला हिस्सा एक तरफ होता है। तो अपन पहले बात करेंगे फेस टू फेस सिस्टम। फेस टू फेस सिस्टम में पहली चीज, अपने को चारा डालने के लिए केवल एक ही मांद की जरूरत होगी, जिसके अंदर उन बीच में चारा डाल देंगे, चारा जानवर उससे, दोनों तरफ के जानवर एक ही साथ चारा खा लेंगे। लेकिन इसके लिए अपने को जो दोनों साइडों पर, टेल की साइड पर अपने को मूत्र और गोबर के निकास के लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी। साथ में अगर कोई विजिटर्स अपने फार्म पे आता है तो फेस टू फेस सिस्टम देखने में बहुत सुंदर लगता है, जबकि जो, और इस फेस टू फेस सिस्टम में जो जानवरों में होने वाली संक्रामक बीमारियां हैं वो एक दूसरे से फैलने की संभावना कंपैरेटिवली तुलनात्मक ज़्यादा होती है। जबकि टेल टू टेल सिस्टम में अपने को दोनों का फेस विपरीत दिशा में होता है, और उनके लिए मूत्र और मल गोबर के निकास के लिए एक ही नाली से अपना काम चल जाता है, जबकि उनके लिए चारा डालने की अपने को दोनों तरफ अलग अलग साइड मांद बनानी पड़ती है। इसके अंदर इस सिस्टम का सबसे अच्छा फायदा यह है कि इस सिस्टम में अपने को बीमारियों, एक दूसरे जानवर से बीमारी होने की संभावनाएँ बहुत कम रहती है। साथ में इसका फायदा ये भी है कि इसके अंदर जो पशु है उसका दूध, पशुपालक या जो भी अपने मिल्किंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, वो एक ही तरफ से निकाल लिया जा सकता है, और ये ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। यदि अपने पास 10 से कम जानवर हों तो अपन उसको सिंपल एक रो सिस्टम में ही अपन उसको रख सकते हैं, उसके लिए अपने को दो रो सिस्टम में जाने की आवश्यकता नहीं है। दो रो वाले सिस्टम में अपन तभी जाते हैं जब अपने पास 10 से ज़्यादा जानवर हों। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो व्यावसायिक सिस्टम है उसके अंदर भी अपने को बहुत सारे शेड की आवश्यकता है। एक शेड जिसके अंदर जानवर रह रहा है, चारा पानी की व्यवस्था है, इसके अलावा अपने को उनके लिए भी एक चारे का और बाटे का अलग से स्टॉक करने के लिए भी अलग से शेड बनाना पड़ता है। उनके अंदर व्यावसायिक रूप से वो लोग एक आइसोलेशन सेंटर अलग रखते हैं, जिसमें कोई जानवर बीमार हो तो उसको अलग से रख सकते हैं। एक उसके अंदर वो क्वारंटाइन सेंटर भी बनाते हैं, जिसके अंदर अगर कहीं बाहर से अपने बाड़े में कोई पशु लाया गया है, बाई चांस अगर वो जानवर ग्रसित है तो अपने जानवरों को भी किसी बीमारी से ग्रसित कर सकता है। इसके लिए उसको 10 से 15 दिन बाहर से लाने के बाद अपन उसको क्वारंटाइन में रखते हैं। साथ में
उसके अंदर भी अपन प्रेग्नेंट जानवरों के लिए अलग से शेड बनाते हैं, साथ में जो छोटे बच्चे हैं काफ है उनके लिए भी अपन अलग से शेड बनाते हैं। तो किसी भी पशुपालन व्यवसाय के लिए को अच्छा आगे करने के लिए उसमें तीन चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो है फीडिंग, ब्रीडिंग और मैनेजमेंट। तो अपने को हाउसिंग भी अपने आप में एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, जितना अपन अच्छा रखेंगे बाड़े की साफ सफाई व्यवस्था रखना, सूर्य का प्रकाश उसके अंदर लगातार आता रहे और हवादार हो तो वो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। अपन मैनेजमेंट सिस्टम को सुधार करके अपने जानवरों से अधिक दूध का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने लिए किसी भी सिस्टम को अच्छा रखना अपने स्वयं की मेहनत पर भी निर्भर करता है कि अपन कितना साफ सफाई और उसका मैनेजमेंट कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।